छिंदवाड़ा जिला के चौरी तहसील में किसान संघर्ष समिति द्वारा विभिन्न मुद्दों पर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 17 अगस्त को किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिव कुमार दुबे एवं संघर्ष समिति ने ग्राम पंचायत बड़ई में बैठक का आयोजन किया, जिसमें 18 ग्राम के किसानों ने बैठक में भाग लिया। किसान संघर्ष समिति ने मीडिया को जानकारी में बताया है कि इस बैठक में किसानों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया है और किसान गणों को आए दिन परेशानियां हो रही हैं, उस संबंध में एसडीएम को बिंदुवार ज्ञापन सौंपा जाएगा। बैठक में उपस्थित शिव कुमार दुबे, बुद्धू पटेल, अशोक पंचेश्वर, मंगल बंजारा, मोती साहू, शिवराम साहू, पंजीलाल आदि किसान गण उपस्थित रहे। जी, आज किस संबंध में बैठक ली गई? आज हमारे ग्राम पंचायत मड़े में 15 से 20 गांव की एक किसान संघर्ष समिति के किसानों की बैठक यहां आयोजन रखा गया था जी। इस बैठक में अति वर्षा होने के कारण किसानों की फसल एकदम चौपट की कतार में है और नुकसान की कतार में है। हम प्रशासन को अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारा क्षेत्र में सर्वे कराया जाए और किसान की जो फसल नुकसान की ओर है उसकी भरपाई की जाए, और इसी को लेकर आज 15-20 गांव की एक यहां किसान चिंतन बैठक रखी गई थी। और हमारे माइक्रो व नहर का जो हम लोग काम की समीक्षा के लिए भी यहां चर्चा की गई थी, उस 14 किलोमीटर की जो पाइपलाइन पूर्ण होना था उस पर भी अधूरा काम समीक्षा पे निकल के आया है कि काम अपूर्ण है, पावर हाउस भी बंद है, बिजली का भी काम नहीं हुआ है। बैठक हुई किसान संघर्ष समिति ग्राम पंचायत मड़ई में, 17-18 गांव के लोग एकत्रित हुए, जिससे आज सभी लोगों ने निर्णय लिए कि माइक्रो जो माचा गोरा किनार का पानी आते आते मड़ई में रुक गया था और उसके कारण काम भी बंद हो गया था, और पता चला कि किसान लोग भी वहाँ देखने गए पर वहाँ काम पूर्ण नहीं मिला और लापरवाही हुई कर्मचारी लोगों की। कर्मचारी लोगों ने बोली काम पूरा करवा देंगे, तुमको पानी करवा दे देंगे 15 जून तक कोई पानी नहीं मिला। इसके बाद में अधूरा काम पड़ा है, इसके बाद में फिर पानी क्षति चालू हो गई किसान लोगों की। अब जब किसानों की क्षति हो गई तो कोई की 10 एकड़ बैठ गई, कोई की 5 एकड़ बैठ गई, कोई की 20 एकड़ किसानी बैठ गई, तो इससे हम एसडीओ साहब पास भी जाएंगे और ज्ञापन भी सौंप। जी भाई साहब, आज किस संबंध में किसान संघर्ष समिति की बैठक मड़ई में ली गई? आज हमें किसान संघर्ष समिति 15 से 17 गाँव के लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं जी। पहला काम तो ये है कि हमारे क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण जी पूरी फसल चौपट हो गई है, 2.5 महीना से रेगुलर पानी गिर रहा है। दूसरी निर्णय ये लिया किसानों के साथ कि जो हमारा माइग्रेशन का जो अपना हमारा नहर का काम है जी, वो फिर शिथिल हो गया। 1-2 महीने काम अच्छा किया, फिर भी कहीं लापरवाही से ठेकेदार कहीं पाइप जोड़ा है, कहीं नहीं जोड़ा है। क्या जी आपने माचा गोरा माइक्रो इरीगेशन से नहर के संबंध में मांग किए थे पाइपलाइन की? हाँ, पाइपलाइन मांग किए थे, फिर विभाग उसको एडवांस पैसा दे रहा है जी, मनमाने ढंग से। पहले भी एडवांस दे चुके हैं, अभी भी एडवांस दे रहा है। एनबीसी न्यूज़ के लिए चौरी से राजेश उर्की की रिपोर्ट। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर, जो नागपुर का पहला और एकमात्र NABH द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है, देश के पहले 50 अस्पतालों में से NABH द्वारा पुनः प्रमाणित ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल है। गत 25 से अधिक सालों से मध्य भारत का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में यह अस्पताल प्रसिद्ध है। सभी कैशलेस इंश्योरेंस सेवाएं, साथ ही सभी प्रकार की कॉरपोरेट सेवाएं भी उपलब्ध है। इस अस्पताल में महाराष्ट्र शासन की महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना के तहत क्रिटिकल सर्जरी का मुफ्त इलाज भी किया जाता है। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, ट्रॉमा, बर्न केसेस, कार्डियोलॉजी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज, न्यूरो सर्जरीज, पेडियाट्रिक सर्जरीज, यूरोलॉजी जैसे और भी क्रिटिकल केयर यूनिट है। इसके अलावा यह अस्पताल रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस, फार्मेसी, आपातकालीन सेवाएं भी 24/7 प्रदान करता है।